एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक मेरी असामीज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसका नाम कुमुरा विथ चिकन है, इसका मतलब वाइट गार्ड विथ चिकन। इसको वाइट गार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन मैं जब मुंबई में थी तो हम उसको सफ़ेद भोपला बोलते थे। तो ये जो चिकन की डिश होती है विथ सफ़ेद भोपला, वो बहुत ही अच्छी होती है, ख़ास करके राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आशा करती हूँ आप ये वीडियो देख के आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा घर पे और बताइएगा मुझे कि कैसा लगे। तो चलिए फिर हम बनाते हैं वाइट गार्ड विथ चिकन। चिकन कुमड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस किया है क्योंकि इसमें बड़े पीसेस, ये जिसमें बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते। व्हाइट गार्ड छोटे छोटे पीस में कटे हुए, यहाँ पे छोटा और कच्चा व्हाइट गार्ड ही यूज़ कीजिए, अदरवाइज ये थोड़े खट्टे हो जाते हैं। एक बड़े आलू बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए, बारीक कटे हुए एक टमाटर, एक लंबे कटे हरी मिर्च, यहाँ पे आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ग्राइंडेड एक बड़े ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून पेपरिका या कश्मीरी मिर्च, होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून, होममेड जीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्च 2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने सिंपल साबुत गरम मसाला ली है, जहाँ 2 तेज़पत्ता, 6 लौंग, 4 इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से इस डिश में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और स्वाद अनुसार नमक। पहले हम चिकन को मेरीनेट करेंगे। इसमें हम हल्दी और साबुत गरम मसालों को छोड़ के बाकी जो मसाले हैं उसमें से हम आधा आधा इस चिकन में मेरिनेशन के लिए मिलाएंगे। चिकन अब मेरिनेशन के लिए रेडी हो गए, इसको हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में तेल डाल के उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं। तेल जब गर्म हो जाए पहले हम मेरिनेटेड चिकन को फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि ये बाद में पकाने से टूट के बिखर ना जाए। चिकन को 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद तेल से निकाल लेंगे और उसी तेल में हम आलू को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आलू भी फ्राई हो गए हैं तो इसको भी हम तेल से निकाल लेते हैं। ये जो बचे हुए तेल है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो इस टाइम आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे और इसे 10 सेकेंड के लिए हम सौते करेंगे। अब हम इसमें ग्राइंडेड प्याज को डाल के 3-4 मिनट तक इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे। हमारे प्याज पक गए हैं, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको पकाएंगे जब तक इसका जो कच्चा स्मेल है वो हट ना जाए। मसाला पकने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे और इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर थोड़े से गल ना जाए। अब हम इसमें सफ़ेद भोपला डालेंगे, हमने जो थोड़े थोड़े मसाले छोड़े थे अब हम इसमें सब डाल देंगे। हमने मेरिनेशन के टाइम पे भी थोड़ा सा नमक डाले थे चिकन में, सो इसके लिए यहाँ पे भी आप जब नमक डालेंगे तो थोड़ा सा देख के डालिएगा। अब मसाले को व्हाइट गार्ड के साथ 1-2 मिनट तक पकाइए। अब चिकन और आलू को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप 2-3 मिनट तक ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम पानी ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 कप पानी डाला है। आपको यहाँ पे कितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगा के 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने के लिए देंगे और बीच बीच में हम देखते भी रहेंगे। चलिए देखते हैं। वाह, हमारा चिकन कुमड़ा अभी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे कुमड़ा भी बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गया, आलू भी टेंडर हो गए और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए फिर इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने चिकन कुमड़ा को गार्निश किया है जिंजर जूलियंस और एक स्लाइस नींबू के साथ।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।